नमस्कार, नमस्ते बिहार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सातवीं बार बिहार का दौरा किया। पीएम मोदी पटना पहुंचने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज पीएम मोदी महाराजगंज और मोतिहारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान सातवीं बार पीएम नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले दिवंगत सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने उनके राजेंद्र नगर स्थित आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां सुशील मोदी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के लोगों के साथ बैठकर उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन 13 मई की रात दिल्ली एम्स में हो गया था। वो पिछले कुछ समय से कैंसर से लड़ रहे थे। पीएम मोदी 21 मई को वो दो चुनावी रैली करेंगे। इसके पहले 4 अप्रैल को जमुई में पीएम की सभा थी, 7 अप्रैल को नवादा में गर्जे प्रधानमंत्री, 16 अप्रैल को गया और पूर्णिया में जनसभा हुई, 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर में पीएम मोदी ने रैली की, 4 मई को दरभंगा में मोदी की दहाड़ सुनाई दी, 12 मई को पटना में मोदी ने रोड शो किया और 13 मई को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। 21 मार्च को सिवान और महाराजगंज की सीमा पर बसे गोरियाकोठी में रैली कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान से जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रवाल के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा मोतिहारी के गांधी मैदान में होगी, जहां से वो पूर्वी चंपारण से बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। अपने 2 दिवसीय इस बिहार दौरे के 3 दिन बाद 25 मई को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार सबसे अहम बना हुआ है, ये पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पीएम मोदी पटना में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी और संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि पीएम मोदी के बीजेपी के पटना कार्यालय में ये पहली बार पहुंचे थे, जिसको लेकर पार्टी का जोश काफी हाई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बिहार और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएम मोदी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किए कि अपने जीवन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और देश को भी बढ़ाने का काम करना, उसी काम में उन्होंने सबको मार्गदर्शन भी दिया। आज विजिट किए हैं आपके पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री बनने के बाद, कितना असर देखा है? नहीं, स्वाभाविक है, कोई प्रधानमंत्री अभी तक तो भाजपा के नेता आते थे, भाजपा के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन कोई प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, ये गौरव का क्षण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के। माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन से जुड़े हैं और आज श्रद्धेय सुशील मोदी जी के आवास पर उनका जाना एक कार्यकर्ता के प्रति जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता पार्टी को खड़ा किया, उनके परिवार से मिल करके जो हमदर्दी और जो उन्होंने सहानुभूति व्यक्त किए हैं, हर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। और पार्टी कार्यालय में आकर के अपने प्रबंधन कमेटी से और अपने यहाँ के कर्मचारियों से मिल करके वो पुरानी यादों को भी ताज़ा किए और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाए। निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी के लोग का लगता है कि हमारा परिवार का अभिभावक हमारे बीच आए हैं और हम सब का मनोबल बढ़ाए हैं और इसका असर दूरगामी होगा। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कई रास्तों पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। गांधी मैदान की तरफ जाने पर गाड़ियों की रोक है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है। कचहरी रोड के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों तरफ से अस्थायी दुकान हटा दी गई है। तो ये खबर, जहां सुरक्षा बढ़ाई गई है पीएम के दौरे को लेकर के, ये सुरक्षा सख्त की गई है।
इस बीच आपको बता दें कि बिहार के बाद पीएम मोदी का झारखंड दौरा भी शुरू होगा। 28 मई को झारखंड आएंगे पीएम मोदी। राजमहल में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लिट्टीपाड़ा डिग्री कॉलेज मैदान में उनकी सभा होने वाली है। बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी के लिए प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पार्टी ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन को लेकर के उत्साह है। जो जन कल्याण का उन्होंने काम किया है, आधारभूत संरचनाओं का जो जिस प्रकार से विकास किया है, एक आदिवासी समाज से आने वाली, संताल समाज से आने वाली देश की बेटी को उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने का काम किया है। निश्चित रूप से इस संथाल पढ़ना का, राजमहल लोकसभा क्षेत्र का लोगों में, खास करके आदिवासी समाज में है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार के 40 की 40 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ एनडीए ही एनडीए हैं। हर जगह एनडीए एनडीए है। बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। आज भी जो वोटिंग हो रही है उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, बिहार में कोई शक नहीं है। और हम तो एक चीज ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, पूरा बिहार मोदी 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 कर रहा है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरा में चुनावी प्रचार किया और उन्हें कोइलवर के चांदी हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। डिप्टी सीएम ने न्यूज 18 से बात करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 पार के नारे को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में पीएम मोदी की लहर चल रही है और उनकी टक्कर में कोई नहीं। चल रही है, कहीं खाता खुलने वाला किसी का नहीं है। 40 की 40 सीट एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने बेसिक चीजों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच केंद्र सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। पीओके भारत का था और उसे लेकर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की चुनावी सभा में एक बड़ा दावा करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं विरोधी गठबंधन पर जमकर बरसे भी। हरियाणा के रण से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया है। हिसार की चुनावी सभा में शाह ने दहाड़ते हुए कहा कि पीओके हमारा है, इसे लेकर रहेंगे। भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। तो राहुल गांधी पर भी शाह ने तंज कसा और उनके थाईलैंड जाने की वजह भी बताई। परिणाम समाप्त होगा 6 तारीख को, राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इससे पहले हरियाणा के करनाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडी अलायंस के पास न नीति है न नेता, राहुल गांधी तक पीएम नहीं बन सकते। एक मिनट के लिए सोच लो कि गमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा। कोई नाम है? जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप, वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? चुनाव जैसे जैसे अलग अलग फेज में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रचार के साथ ही नेताओं का प्रहार भी तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पर जिस अंदाज में हमलावर हैं, उससे आने वाले 2 और फेज में सियासत बेहद गर्माने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच आपको बड़ी खबर आरा से बता दें, जहां पटना डीडीयू रेलखंड अप लाइन में गड़बड़ी हुई है। कई ट्रेनों की आवाजाही रुकी हुई है। ओएचई में खराबी आई है जिसकी वजह से ट्रेनों को
कहीं भी रोक दिया गया है, ट्रेनें रुकने से यात्री काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पटना डीडीयू रेलखंड अप लाइन में गड़बड़ी की खबर है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही रुकी हुई है। तो आरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पटना डीडीयू रेलखंड अप लाइन में गड़बड़ी की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि इस वजह से कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। न्यूज 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ अपडेट है, क्या आप गड़बड़ी ठीक कर ली गई? नहीं, बिल्कुल, देखिए पूरा मामला पटना डीडीयू रेलखंड के बिहिया और बनाही स्टेशन के पास से जुड़ा हुआ है, जहाँ की अपलाइन के ओएची में खराबी आ गई है, जिसके कारण कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है और यात्री काफी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि जो रेलवे की टीम है, सूचना मिलने के बाद तुरंत वहां रवाना हो गई है और पल को ठीक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक परिचालन शुरू नहीं हो सका है, जिसके कारण ट्रेनें, कई जो ट्रेनें हैं विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चंदन। हाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान ने बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन अभी टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जश्न 4 जून को एनडीए की जीत के साथ ही मनाया जाएगा। 4 जून को सही मायनों में सेलिब्रेशन होगा। मैंने होली पे ये बात कही थी कि एक्चुअल होली हम लोग 4 जून को मनाएंगे, और मुझे लगता है कि अब वो दिन समीप आ रहा है। और जिस तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों का प्रदर्शन चल रहा है, फॉर्मेटा इवन आप हाजीपुर में ही देख लीजिए, आज जिस तरीके से हम लोग का मतदान रहा, मत प्रतिशत पिछली बार से काफी बड़ा है। और लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग पूरी हो गई। बिहार की 5 सीटों पर हुए चुनाव में वोटर ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वोटिंग के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिले। बजे हैं और सुबह के 7 बजे से ही पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लाइन में खड़े ये वो वोटर हैं जो लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने आए हैं। 5वें फेज के चुनाव में बिहार की 5 सीटों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग हुई। 5ों ही सीटों पर वोटर का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जोश ऐसा कि सूरज की तपिश भी कमजोर पड़ने लगी और दोपहर होते होते कई जगहों पर हुई बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। वोटिंग के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिले। इस तस्वीर को देखिए, खटिया पर लेटे ये हैं देवेंद्र राम। देवेंद्र हाजीपुर के बूथ नंबर 176 के वोटर हैं। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।